अनुज हुआ इमोशनल, अनुपमा ने किया अनुज का मदद। सो हेलो दोस्तों, मैं हूं खुशी सिंह और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल पर। अनुपमा सीरियल में आए दिन हमें हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है। फिलहाल यहां पर हम देख रहे हैं कि श्रुति जो है वो क्रिटिकल कंडीशन से बाहर आ चुकी है और अभी वो सेफ है। और यहां पर हम ये भी देखेंगे कि अनुज और आद्या जो है वो मिलकर घर को काफी सुंदर तरीके से डेकोरेट करेंगे और आरती के साथ श्रुति का स्वागत करेंगे। वहीं दूसरी तरफ हम देखेंगे कि डिम्पी जो है वो घर छोड़कर भाग चुकी है अंश को लेकर, क्योंकि उसे पता चल गया है कि वनराज उसकी शादी किसी और के साथ करवाना चाहता है। यहां पर हम ये भी देखेंगे कि वनराज को अनुपमा पर शक होता है। उसे लगता है कि अनुपमा ने डिम्पी को उकसाया है भागने के लिए, लेकिन यहाँ पर अनुपमा उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करेगी और कहेगी कि काश मैं ऐसा करती लेकिन मैं ऐसा नहीं की। और यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि अनुपमा जो है वो वनराज को कहेगी कि डिम्पी जहाँ भी है वो सेफ है, लेकिन उसे नहीं पता कि वो कहाँ है। अगर उसे पता होता तो भी वो वनराज को नहीं बताती। वहीं आगे आने वाले एपिसोड में यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि अनुज जो है वो पहुंच चुका है अनुपमा के पास और वो अनुपमा से मदद मांगता है। और यहाँ पर अनुज जो है वो अनुपमा को बताएगा कि आद्या की हालत काफी खराब हो चुकी है उस टेररिस्ट अटैक के बाद से। उसे काफी ज्यादा पैनिक अटैक्स आ रहे हैं और जिस वजह से वो सुसाइड करने की भी कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर अनुपमा जो है काफी ज्यादा डर जाएगी और अनुज और अनुपमा दोनों ही काफी ज्यादा इमोशनल दिखाई देंगे और काफी ज्यादा टूटे हुए भी दिखाई देंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अनुज के कहने पर और आद्या के लिए अनुपमा जो है वो अनुज के घर आ चुकी है। तो आगे आने वाले एपिसोड में देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि अनुपमा को देखकर आद्या का क्या रिएक्शन हो सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ है कहना ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ।